स्टूडेंट्स, टुडे थ्रू दिस वीडियो आई विल टेल यू सम इम्पॉर्टेंट एसेज ऑफ फरवरी 2023. लेट्स स्टार्ट विद द ब्रेनस्टॉर्मिंग ऑफ फर्स्ट एसे. मोर एंड मोर वाइल्ड एनिमल्स आर ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन एंड अदर्स आर ऑन द एंडेंजर्ड लिस्ट. व्हाट आर द रीजंस फॉर दिस? व्हाट कैन बी डन टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम? सो स्टूडेंट्स, दिस इज प्रॉब्लमेटिक एसे बिकॉज इसमें रीजंस भी पूछे हैं और सोल्यूशन भी पूछे हैं हमसे. मोर एंड मोर, ज़्यादा से ज़्यादा एनिमल्स क्या हैं, वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन है, ख़त्म होने के तदार पे हैं और कई उसमें से एंडेंजर्ड लिस्ट में ऑलरेडी उनका नेम मेंशन हो गया है. तो इसके क्या रीजंस है कि क्यों जो एनिमल्स हैं वो वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन पे हैं? फर्स्ट रीज़न इज़ डिफॉरेस्टेशन, कि डिफॉरेस्टेशन हो रहा है जिसकी वजह से एनिमल्स जो हैं वो होमलेस हो गए हैं. होमलेस होने की वजह से वो रोड पे आ गए और रोड एक्सीडेंट्स का प्रे हो गए हैं, शिकार हो गए, जिसकी वजह से उनका जो काउंट है डे बाय डे डिक्रीज हो रहा है. सेकेंड रीज़न इज़ इलीगल हंटिंग एंड पोचिंग. पीपल hunt the animals for fulfilling their need, like commercial need and other needs. Owing to this, they hunt the animals in excess. Due to this, the count of animal is decreasing day by day. Solutions क्या रहेंगे? आपने कोरेंस मेंटेन करना, जो कॉज आपने बताया उसी के रिगार्डिंग आप सोल्यूशन लिखेंगे. जैसे कि आपने फर्स्ट कॉज में डिफॉरेस्टेशन बनाया, तो हम यहाँ पर कह सकते हैं गवर्नमेंट शुड keep the animals in the wildlife sanctuaries and some zoological garden where the human intervention is strictly prohibited so that animals can live in a safe environment, and this will help in the conservation of the animals. Next solution could be like this. Illegal hunting should be banned by the government by imposing fines and penalties on the human beings who do it intentionally. Question number 2. Some people say that the only reason for learning a foreign language is in order to travel to or work in a foreign country. Others say that these are not the only reason why some should learn a foreign language. Discuss both the views and give your opinion. कुछ लोगों का मानना है कि सोल रीज़न है, एकमात्र कारण यही है फॉरेन लैंग्वेज लर्न करने का, कि लोग जो है ट्रेवल कर रहे हैं और काम के लिए फॉरेन कंट्री में जाते हैं. दूसरे कह रहे हैं कि ये ही सिर्फ रीज़न नहीं है, काम रीज़न नहीं है और ट्रेवल रीज़न नहीं है, इसके बिना और भी कुछ और रीजन्स हो सकते हैं जिसके लिए वो फॉरेन लैंग्वेज को लर्न करते हैं. डिस्कस बोथ द व्यूज़ एंड गिव योर ओपिनियन. तो यहाँ पे आप बॉडी पैराग्राफ 1 में सम का व्यू लिखेंगे, बॉडी पैराग्राफ 2 में अदर्स का, और कंक्लूजन में आप अपना व्यू पॉइंट देंगे. और अपना जो व्यू पॉइंट देंगे वन साइडेड देंगे, अपने पार्शियल नहीं जाना है. इंट्रोडक्शन में आप इसी डिमांड लाइन को आंसर करेंगे बाय राइटिंग अ ब्यूटीफुल थीसिस लाइक दिस. आई विल हाईलाइट बोथ द एस्पेक्ट्स इन अलॉन्ग विद माई व्यू पॉइंट इन दी बिलो पैराग्राफ्स. तो उससे पहले आप इस स्टेटमेंट को रिफ्रेश कर लेंगे इंट्रोडक्शन में. तो जो सम कह रहे हैं कि ट्रेवल और वर्क जो रीज़न है लर्न करने के फॉरेन लैंग्वेज, तो इन्हीं दो कीवर्ड्स को देख के हम क्या बना लेंगे, अपने आइडियाज़ बना लेंगे. ट्रैवल क्यों है? क्योंकि ट्रैवल से क्या होगा, उनको एक्सप्लोर करने में ईजी होगा, ईजिली व्यूज़ को एक्सचेंज कर पाएंगे और अपनी जर्नी को इंजॉय कर पाएंगे, देयर फॉर दे लर्न द फॉरेन लैंग्वेज. वर्क क्यों है? सम वॉन्ट टू एक्सपैंड देयर बिजनेस इन दी अदर नेशंस, ओइंग टू दिस दे लर्न द फॉरेन लैंग्वेज सो दैट दे कैन अट्रैक्ट द बायर्स ऑफ दैट नेशन एंड सेल देयर प्रोडक्ट इफेक्टिवली. मोर ओवर, वर्क का मतलब यहाँ पे जॉब भी हो सकता है. एज सम पीपल हैव अ पैशन टू बिकम अ लैंग्वेज ट्रांसलेटर, देयर फॉर दे बिकम टू देयर फॉर दे लर्न द फॉरेन लैंग्वेज, है ना. तो कईयों का जो प्रोफेशन है वो क्या है, क्यूरियोसिटी है, कईयों को डिज़ायर है एक लैंग्वेज ट्रेनर बनने की, या क्या हो सकता है एक लैंग्वेज ट्रांसलेटर बनने की, इसलिए भी वो फॉरेन लैंग्वेज लर्न करते हैं. तो वर्क का मतलब बिजनेस के टर्म्स में भी हो सकता है, जॉब के टर्म में भी हो सकता है. अदर रीजंस क्या हो सकते हैं, सम वांट टू बिकम मल्टीलिंगुअल, है ना, एंड दे वांट टू बिकम फ्लुएंट एंड प्रोफिशिएंट इन द पर्टिकुलर लैंग्वेज, देयरफॉर दे लर्न दिस. कईयों को सिर्फ एक क्रेज है कि उनको मल्टी लिंग्विस्ट होना लाइफ में, इसलिए वो लर्न करते हैं. अदर जस्ट वॉन्ट टू एक्सपैंड देयर नॉलेज अबाउट द डिफरेंट काइंड ऑफ लैंग्वेजेस, तो इसलिए भी वो लर्न करते हैं, सो दैट दे कैन गेट द एक्सपीरियंस अबाउट द प्रोनाउंसिएशन ऑफ द डिफरेंट वर्ड्स ऑफ डिफरेंट लैंग्वेजेस, देयरफॉर दे लर्न दिस फॉरेन लैंग्वेज. तो ओपिनियन में आपने वन साइडेड जाना, इट इज़ अप टू यू कि आप कौन से साइड जाना चाहते हैं, कि वर्क एंड ट्रेवल आर द रीजन्स ड्यू टू विच पीपल लर्न द फॉरेन लैंग्वेज, और देर आर अदर सम रीजन्स. तो ये आप पे डिपेंड करता है, वन साइडेड जाएंगे, मैंने आपके ऊपर छोड़ा है कि आप कैसे ओपिनियन डिसाइड करना चाहते हैं. क्वेश्चन नंबर 3. इवन मोर पीपल आर स्पेंडिंग मोस्ट ऑफ देयर टाइम एट वर्क नाउ डेज, विच लीव्स ऑलमोस्ट नथिंग फॉर पर्सनल लाइफ. डू यू थिंक दिस ट्रेंड हैज़ मोर एडवांटेजेस दैन डिसएडवांटेजेस? ज़्यादा लोग क्या करें, स्पेंड करें अपने टाइम को कहाँ पे, एट देयर वर्क प्लेस, जिसकी वजह से उनकी जो पर्सनल लाइफ है टू सम एक्सटेंट वी कैन से कि नेगेटिवली इन्फ्लुएंस हो रही है. क्या इस चीज़ के पॉजिटिव एस्पेक्ट्स ज़्यादा है ड्रॉबैक्स के कंपैरेटिवली? तो एडवांटेज डिसएडवांटेजेस बेसिस से आप पहले डिटर्मिन नहीं होंगे कि आप एडवांटेजेस के फेवर में जाएंगे या डिसएडवांटेजेस के.
I would like to request you to do brainstorming first so that you can plan your task carefully before writing it. है ना, तो यहाँ पे आप पहले अपने पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों साइड्स को क्लियरली प्लान करेंगे, उसके बाद आप डिसाइड करेंगे कि आपने एडवांटेजेस के फेवर में जाना है या डिसएडवांटेजेस के फेवर में जाना है. तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पे एडवांटेजेस की, ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हैं तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, वर्क प्लेस पर ज़्यादा टाइम स्पेंड करेंगे, नॉलेजेबल होंगे, ज़्यादा एक्सपीरियंस गेन होगा, एक्सपीरियंस गेन होने से क्या होगा, प्रमोशन चांसेस ज़्यादा होंगे और इससे क्या होगा, उनकी कॉग्निटिव ग्रोथ हो और पर्सनल ग्रोथ भी हो सकती है. दूसरा क्या होगा, वर्क पे ज़्यादा टाइम स्पेंड करेंगे, ज़्यादा इनकम होगी तो क्या होगा, एक कंफर्टेबल और लग्जरी लाइफ स्पेंड करने में उनको बेनिफिट होगा. ठीक है, अगर इसके ड्रॉबैक्स बात करते हैं, वर्क पे ज़्यादा टाइम स्पेंड करेंगे तो क्या होगा कि पर्सनल लाइफ इम्बैलेंस हो जाएगी, कंसंट्रेट नहीं कर पाएंगे अपने रिलेशंस पे, जिसकी वजह से उनके जो रिलेशंस हैं नेगेटिवली इन्फ्लुएंस हो सकते हैं. दूसरा क्या होगा कि पर्सनल लाइफ में सिर्फ रिलेशंस ही नहीं आते, पर्सनल लाइफ में उनके खुद के पर्सनल टास्क भी आते हैं, लाइक वो अपनी हेल्थ पे कंसंट्रेट नहीं कर पाएगा, जिसकी वजह से देयर मे चांसेस ऑफ बिकमिंग प्रे ऑफ मैनी काइंड ऑफ डिसीजेस. है ना, एज दे विल नॉट गेट एनफ टाइम टू डू द फिजिकल एक्टिविटीज बिकॉज वर्कर्स स्पेंड मोस्ट ऑफ द टाइम एट देयर वर्क प्लेस. तो मैंने यहाँ पे दो डिसएडवांटेजेस और दो एडवांटेजेस डिस्कस कर दिए. इट इज़ अप टू यू कि आप इनमें से कौन सी साइड जाना चाहते हैं. आप दो एडवांटेजेस लिख के एक डिसएडवांटेज भी लिख सकते हैं या दो डिसएडवांटेजेस लिख के एक एडवांटेज भी लिख सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, द मूवमेंट ऑफ पीपल फ्रॉम द कंट्री साइड इन टू द सिटीज इज हैपनिंग इन मैनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड रिजल्टिंग इन द प्रॉब्लम्स स्पेशली इन सिटीज. वट आर द कॉजेज ऑफ दिस मूवमेंट एंड हाउ कैन इट बी सॉल्व. मूवमेंट हो रही है, मूवमेंट मीन्स माइग्रेशन हो रही है लोगों की कहाँ से, कंट्री साइड मीन्स एग्रीकल्चर जो लोग हैं, एग्रीकल्चर कम्युनिटी के जो लोग हैं वो सिटीज़ में मूव कर रहे हैं और ये चीज़ बहुत कॉमन हो जा रही है. कॉमनली इसको नोटिस किया गया है इन द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड में, जिसकी वजह से कुछ प्रॉब्लम्स भी हो रही है, स्पेसिफिकली सिटीज़ में कुछ प्रॉब्लम्स हो रही हैं. वट आर द कॉजेज ऑफ दिस मूवमेंट, क्या कारण है कि लोग क्यों माइग्रेट कर रहे हैं. तो रीजन्स क्या हो सकते हैं इसके, इसके रीजन्स ये हो सकते हैं कि बेटर लाइफ स्टाइल कह सकते हैं इन सिटीज़, देर आर वेरियस काइंड ऑफ फैसिलिटीज़ विच आर प्रोवाइडेड बाई द म्यूनसिपल कॉरपोरेशन टू द पीपल, लाइक एजुकेशन फैसिलिटी, मेडिकल फैसिलिटी, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी. इनटू दिस मैनी एग्रेरियंस लाइक टू मूव टूवर्ड्स द सिटीज़. वट कुड बी द अनदर रीज़न, अनदर रीज़न इज एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी इन कंट्री साइड एरिया. Farmers have no another option than agriculture. So for getting work or for earning more and more money, they like to move to cities so that they can earn good in their life and they can live a comfortable life. How can it be solved? कैसे solve किया जा सकता है? तो सम ऑफ द फैसिलिटी शुड बी प्रोवाइडेड बाय द विलेज पंचायत, क्योंकि वहाँ पे तो गवर्नमेंट एग्जैक्ट नहीं होगी, वहाँ पे विलेज पंचायत होता है. शुड प्रोवाइड सम फैसिलिटीज टू द पीपल सो दैट दे कैन नॉट मूव टू द सिटीज फॉर गेटिंग दिस काइंड ऑफ फैसिलिटीज. दैट एलिमेंट्री स्कूल शुड बी देयर, सेकेंडरी स्कूल शुड बी देयर, और गवर्नमेंट शुड प्रोवाइड सच काइंड ऑफ मेडिकल फैसिलिटीज इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल क्लिनिक्स और इन द डिस्पेंसरीज टू द रूरल कम्युनिटी सो दैट दे कैन नॉट मूव टू द सिटी फॉर गेटिंग सच काइंड ऑफ फैसिलिटीज. वट कुड बी अनदर रीजन, गवर्नमेंट शुड गिव नॉलेज टू द फार्मर्स रिगार्डिंग द फार्मिंग एक्टिविटीज सो दैट दे कैन डू देयर फार्मिंग एक्टिविटीज विद मोर एंथुजियाज्म एंड दे कैन अर्न वेल्थ बाय डूइंग द फार्मिंग एक्टिविटीज विद द फाइनेंशियल सपोर्ट ऑफ द गवर्नमेंट. Instead of giving up from the profession of farming, they should focus on the farming more than the other employment opportunities. This can be done if only government will help the farmers in polishing their farming skills, है ना, so that कि वो ना move करें इस reasons की वजह से. तो ये solution हो सकता है. Next statement, some people believe that professional workers such as doctor and teachers should be paid more than sports and entertainment personalities. To what extent do you agree or disagree? यहाँ पे क्या रहेगा, एक्सटेंट एग्री डिसएग्री डिबेटेबल ऐसे है. तो इसमें भी पहले आप डिटर्मिन नहीं होंगे कि आपने एग्री साइड जाना है या डिसएग्री. फर्स्ट यू विल प्लान योर ऐसे स्टूडेंट्स. तो कुछ लोगों का मानना है कि जो प्रोफेशनल वर्कर्स है, डॉक्टर्स एंड टीचर्स को ज़्यादा पे किया जाना चाहिए. डॉक्टर्स को क्यों ज़्यादा पे किया जाना चाहिए, बिकॉज जो डॉक्टर्स हैं वो प्रिवेंट करती है एक नेशन की पॉपुलेशन को फ्रॉम बिकमिंग प्रे ऑफ मैनी काइंड ऑफ डिसीजेज. मोर ओवर वो उनको ट्रीट करती है, उनको क्योर करती है. यहाँ पे आप एग्जांपल भी कोट कर सकते हैं कि कोरोना वॉरियर्स जो हैं वो डॉक्टर्स को एक टाइटल दिया गया था एट द टाइम ऑफ द पेंडेमिक. देयरफॉर दे शुड बी पेड मोर बाय द गवर्नमेंट. है ना, टीचर्स क्यों होते हैं, बिकॉज टीचर्स हेल्प इन इम्पार्टिंग द नॉलेज टू दी स्टूडेंट्स एज इट एज दे प्ले मेजर रोल इन इरेडिकेटिंग द इलिटरेसी फ्रॉम द नेशन. देयरफॉर दे शुड बी पेड बाय द गवर्नमेंट मोर दैन द अदर प्रोफेशनल्स.
अदर प्रोफेशंस की अगर बात करते हैं तो उनको क्यों देना चाहिए? स्पोर्ट्स में क्या होता है, जो स्पोर्ट्समैन का जो वर्किंग टेन्योर होता है वो बहुत कम होता है आफ्टर 30, ड्यू टू लैक ऑफ फिजिकल स्टैमिना दे विल नॉट बी एबल टू प्ले मैचेस इन देयर लाइफ. सो फॉर लिविंग अ स्मूथ लाइफ आफ्टर 30 दे शुड बी पेड मोर एज कम्पेयर टू डॉक्टर्स और टीचर्स. एंटरटेनमेंट पर्सनैलिटीज़ में भी आप कह सकते हैं कि इनको कोई फिक्स्ड नहीं होता है गेटिंग वर्क इन दी इन देयर प्रोफेशन. लाइक यू कैन एड एग्जाम्पल ऑफ साइंस स्टार्स की इनको फिक्स नहीं है कि नंबर ऑफ मूवीज़ इनको एक अपने पर्टिकुलर लाइफ स्पैन में शूट करनी ही करनी है. सो आफ्टर वंस दे विल लूज देयर ब्यूटी, वंस दे विल लूज देयर चार्म, दे विल फेल टू गेट द वर्क. ओइंग टू दिस दे शुड बी पेड मोर बाय द गवर्नमेंट ड्यूरिंग देयर वर्किंग टेन्योर. तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल भी कोट कर सकते हैं कि एक पर्टिकुलर साइंस स्टार था, उसको 40s के बाद वर्क नहीं मिला, उसकी वजह से उसकी जो कंडीशन है वो बहुत ज़्यादा डिट्रॉयट हो गई है. देयरफॉर गवर्नमेंट शुड पे मोर टू एंटरटेनमेंट पर्सनालिटीज. मैंने एग्री और डिसएग्री दोनों में ही दो दो पॉइंट डिस्कस कर दिए. इट इज़ अप टू यू कि आप किस साइड ज़्यादा जाना चाहते हैं. 70-30 भी बना सकते हैं, दो एग्री एक डिसएग्री करके या दो डिसएग्री एक एग्री करके. दिस इज़ द बेस्ट वे टू राइट द एसे, लाइक टू व्हाट एक्सटेंट डू यू एग्री और डिसएग्री. एंड द लास्ट क्वेश्चन इज, सम पीपल थिंक दैट मॉडर्न टेक्नोलॉजी हैज़ मेड शॉपिंग ईजियर, अदर्स डिसएग्री विद दिस, डिस्कस बोथ द साइड्स एंड गिव योर ओपिनियन. कुछ लोगों का मानना है कि जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी उसने शॉपिंग को ईजी कर दिया है, अदर कहते हैं कि नहीं, वो इस बात को नकारते हैं. डिस्कस करने हैं बोथ साइड्स को एंड गिव योर ओपिनियन. यस, जो शॉपिंग है वो अब ईजी हो गया बिकॉज ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी. बिकॉज यहाँ पे आप रीज़न जस्टिफाई कर सकते हैं कि उनका कम्यूटिंग टाइम एंड कॉस्ट जो है सेव हो रहा है. आज दे कैन ईजिली गेट द प्रोडक्ट विद द हेल्प ऑफ ऑनलाइन शॉपिंग. दे कैन ईजिली ऑर्डर द थिंग्स बाय सिटिंग एट होम. दे हैव नो नीड टू विजिट द डिफरेंट काइंड ऑफ शॉप्स फॉर गेटिंग दी फैसिलिटीज. तो ये बेस्ट ऑप्शन है. सेकंड ऑप्शन कैश ऑन डिलीवरी ऑप्शन आप कर सकते हैं. और यहाँ पे ये भी कह सकते हैं मल्टीपल बेनिफिट्स कैन बी एंजॉयड बाय द बायर्स. फॉर एग्जांपल कैशबैक फैसिलिटी व्हिच दे विल नॉट गेट व्हाइल डूइंग द ऑफलाइन शॉपिंग. डिसएग्री का क्या रहेगा कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी की वजह से कम्प्लेक्स हो गया है. बिकॉज मॉडर्न टेक्नोलॉजी की वजह से दे कैन बाय द थिंग्स बट दे कैन नॉट फुलफिल देयर इमीडिएट नीड एज दे हैव टू वेट फॉर गेटिंग द प्रोडक्ट बिकॉज शिपिंग प्रोसेस टेक सम टाइम. तो यहाँ पे आप ये चीज़ को नेगेटिवली इन्फ्लुएंस करके इसके जो डिसएग्री इम्पैक्ट है उसको आप हाईलाइट कर सकते हैं. दूसरा क्या हाईलाइट करेंगे कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी की वजह से जो शॉपिंग है वो कैसे टफ हो गया लोगों के लिए. बिकॉज फिजिकल एक्सपीरियंस ऑफ द प्रोडक्ट जो है ये सबसे बड़ा इसका ड्रॉबैक रहा है कि वो नहीं जज कर सकते हैं. ऑन स्क्रीन कलर और क्वालिटी चेक करना इट इज़ क्वाइट डिफिकल्ट फॉर अ बायर. So modern technology has not made the shopping convenient for the buyers. Then opinion is up to you कि आप इसके negative sides को highlight करेंगे या आपके according कि modern technology ने shopping activity को convenient कर दिया है for buyers. So dear students, I would like to suggest you to do brainstorming before writing a essay, and I hope you will do brainstorming before going to exam. Wish you best of luck and thank you.